आपका नाम? मेरा नाम डियर गौतम। डियर गौतम, गौतम साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ अम्बेडकर नगर मदनगीर से। मदनगीर से आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? मेरा यहाँ कम से कम मैं 25-30 साल से आ रहा हूँ। लगातार आ रहे हैं? लगातार। हाँ। जब से मेरे को बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध का रिसर्च पढ़ा है, तब से इसके अलावा दिमाग में और कोई चीज नहीं है। तो इसलिए हालांकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मशीन पड़ी है, लेकिन बाबा साहब की जब ऊर्जा आती है तो चारपाई से उठ के यहाँ आया हूँ। हार्ट पेशेंट होने के बावजूद और आपका वो एक मशीन लगी हुई है, तो बाबा साहब का मतलब इससे क्या था जो कि बाबा साहब एकदम आपको ऊर्जा पैदा करते हैं? जी मेरी बात सुनिए, 78 मेरी इयर्स है जी। मैंने देखा है कि दबे कुचनों को ये हिंदू समाज किस तरह से दबाता था, वो हमने देखा है। आज वाल्मीकि समाज को यूँ छू लिया तो छींट पानी की मारते पवित्र करने के लिए। तो और एक संग और बात हो, अब इन्होंने सुनी ये, इन हिंदुओं ने ये जातिवाद का विषय ऐसा बोल दिया कि चौथी श्रेणी के लोगों को केवल यही है कि इनकी सेवा करो, हैं जी। लेकिन आज समय ये हिंदुत्व को लाना है। बाबू जी एक बताऊँ आपको, जैन धर्म बौद्ध धर्म इनको कोई नाम नहीं देता, जो कुछ सबसे श्रेष्ठ है बर्ड मानता है, लेकिन हिंदू पांचवें पायदान पर। लेकिन इसमें है क्या जातिवाद है, इनको इसी श्रेणी में रखो नहीं तो ये हमारी बराबरी करेंगे। मतलब आप मानते हैं कि आज देश को 70 साल हो गए आज़ाद हुए, और लेकिन देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, वो आज सही मायने में आज़ाद नहीं है, समझ गए कि नहीं? अब भी देहात में जाइए, हम जाते हैं, लोग वही घृणा के तौर पर देखते हैं कि ये शुरू कास्ट है, ये वाल्मीकि है, ये फलाना है, ये ढमका है, ये है क्या, ये सब हिंदू धर्म की पद्धति है।